कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को जल्द ही 2022-23 का इंटरेस्ट रेट जानने का मौका मिल सकता है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी सीबीटी की 25 और 26 मार्च को बैठक होगी। इस बैठक में मौजूदा कारोबारी साल के लिए ब्याज दरों पर फैसला किया जाएगा। ब्याज दरों को तय करने के लिए सीबीटी की ये बैठक हर साल मार्च में होती है। माना जा रहा है कि इस बार की बैठक में सीबीटी ब्याज दरों को 8% के ऊपर बरकरार रखेगा। पिछले साल बोर्ड ने पीएफ पर 8.1% ब्याज देने की सिफारिश की थी। पिछले साल का 8.1% ब्याज 40 साल में सबसे कम था। इसके पहले पीएफ पर 8.5% की दर से ब्याज मिल रहा था। इसे घटाकर 8.1% किया गया, जो 1977 से 78 के 8% के बाद सबसे कम ब्याज दर थी। 2021-22 से पहले 40 साल तक ये हमेशा 8.25% से ज्यादा रही। ईपीएफओ अपने सदस्यों के पैसों को अलग अलग जगहों पर निवेश करता है। इस पर मिलने वाले रिटर्न से ही सदस्यों को ब्याज दिया जाता है। ऐसे में इस बार क्या ब्याज दरें रहने वाली हैं, ये जानना बेहद दिलचस्प है। माना जा रहा है कि इस बार ईपीएफओ ब्याज दरों को पिछले साल के ही स्तर पर बनाए रख सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इक्विटी और डेट से अच्छा रिटर्न मिला है। इसके साथ ही अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर भी लोकप्रिय फैसला लिए जाने की ज्यादा संभावना है। हालांकि पिछले साल ईपीएफओ की अच्छी कमाई के बावजूद अभी तक 2021-22 का ब्याज लोगों के ईपीएफ अकाउंट में नहीं आया है। इस पर ईपीएफओ का कहना है कि पीएफ पर मिलने वाले ब्याज के भुगतान की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है और जल्द ही पीएफ मेंबर्स के अकाउंट में ब्याज के पैसे भेज दिए जाएंगे। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि मेंबर्स के पीएफ अकाउंट में ब्याज डाला जा रहा है, लेकिन वो स्टेटमेंट्स में नहीं दिख रहा है। इसकी वजह पिछले साल टैक्स नियमों में बदलाव किया गया था और ईपीएफओ अपने सॉफ्टवेयर को इसके मुताबिक अपग्रेड कर रहा है। इस वजह से ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। हालांकि इससे उनका कोई नुकसान नहीं होने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग सेटलमेंट कर रहे हैं या पैसा निकाल रहे हैं, उन्हें ब्याज के साथ पैसा दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।